देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को हुए मतदान के बाद आज नतीजों का दिन है। इसमें उत्तर प्रदेश की सुपर हॉट सीट घोसी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट, त्रिपुरा की 2 सीटों धनपुर और बॉक्सनगर सीट, केरल की पुडुपल्ली, झारखंड की डुमरी और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वैसे तो 6 राज्यों की सिर्फ 7 सीटों पर ही उपचुनाव है, लेकिन ये हो ऐसे वक्त पर रहा है जब 2024 के आम चुनाव को महज कुछ महीने का ही वक्त रह गया है। लिहाजा गर्म चुनावी माहौल के बीच 7 सीटों पर हुए मतदान कई महीनों में खास हैं। ये उपचुनाव जनता के मूड को परखने वाला उपचुनाव कहा जा रहा है। लिहाजा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों को चुनावी सीटों पर खूब जोर लगाते देखा गया था। इन 7 सीटों के मुकाबले के लिए चुनावी नतीजे अब बस कुछ घंटे में ही साफ हो जाएंगे। खैर, आपको इन सभी 7 सीटों का हाल बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस सीट से मुकाबले में कौन कितना दमदार है। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट की, जिस पर बात यह है कि इस सीट से किसी और दल ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। इस सीट से सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। उनसे मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने दारा सिंह को मैदान में उतारा है। पहले सपा के विधायक थे और उन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया था। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की वजह से खाली हुई थी। इस सीट पर इस बार सीधा मुकाबला एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच है। इस विधानसभा सीट से इंडिया अलायंस के बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से यशोदा देवी मैदान में है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट बीजेपी विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट से टीएमसी से निर्मल चंद्र रॉय को मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी ने तापसी रॉय को मैदान में उतारा है। यहां माकपा ने ईश्वर चंद्र रॉय को टक्कर में उतारा है। त्रिपुरा की धनपुरा और बॉक्सनगर सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर विधानसभा सीटों का मुकाबला बेहद रोचक है। यहां पर धनपुर और बॉक्सनगर सीटों पर उपचुनावी मुकाबला है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और सीपीआईएम के बीच माना जा रहा है। त्रिपुरा की बॉक्सनगर सीट से सीपीआईएम विधायक शमसुल हक के निधन के बाद ये खाली हो गई थी, जबकि धनपुर विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के विधायक पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। कांग्रेस ने त्रिपुरा से उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। धनपुर सीट पर सीपीआईएम ने कौशिक चंदा और बॉक्सनगर विधानसभा सीट से मिजाज हुसैन को उतारा है, जबकि बीजेपी ने बॉक्सनगर से तजफ्फुल हुसैन और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मुकाबले में उतारा है। बात की जाए उत्तराखंड की तो यहाँ के बागेश्वर विधानसभा सीट पर मतगणना चालू है। यहाँ से विधायक चंदन सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ से बीजेपी ने दिवंगत चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बसंत कुमार को मुकाबले में उतारा है। वैसे ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, ऐसे में ये कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती की तरह है। बात केरल की करें तो यहाँ पर पुडुपल्ली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है 5 तारीख को। अब नतीजे यहाँ पर आने हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर है। ऐसे में चुनाव परिणाम क्या रहने वाले हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी के निधन की वजह से खाली हुई थी। कांग्रेस नीत यूडीएफ ने ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमान को इस बार मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि इस बार इन सभी 7 सीटों पर क्या होने वाला है। थोड़ा और इंतजार आप कीजिए, कुछ घंटे में नतीजे साफ हो जाएंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।